एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब एक बड़ी खबर नोएडा से हमें मिल रही है। महामाया फ्लाईओवर के पास अग्निकांड हुआ है। फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग और उससे मच गया है हड़कंप। आसपास के फर्नीचर गोदाम खाली करा लिए गए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा से मिल रही है। और देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से आग वहां पर लगी हुई है। फर्नीचर की दुकान से आग शुरू हुई और आसपास की जगह को किस तरह उसने चपेट में ले लिया। पेड़ों तक की आग पहुंच गई। सड़क के किनारे जो फर्नीचर की दुकानें रहती हैं उसमें इस आग की शुरुआत हुई और देखते ही देखते पूरा फर्नीचर, आसपास रखा सामान और यहां तक कि जिस पेड़ के नीचे इन दुकानों को लगाया जाता है वो भी आग पकड़ चुके हैं। काला धुएं का गुबार दूर तक आसमान में उगता दिख रहा है। फर्नीचर गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। इस आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब यह आग शुरू हुई तो कितना विकराल रूप इसने ले लिया और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड कर्मी किस तरह आग बुझाने में जुटे हैं। लेकिन धुआं अभी हर तरफ फैला हुआ है। आसपास चलते ट्रैफिक में से जिसने इस नजारे को देखा वो दहशत में आ गया। अंकित से इस पर अपडेट लेते हैं। अंकित बताइएगा इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, क्या इस आग को बुझा लिया गया है? बेहद खौफनाक मंजर तस्वीरों का। जी देखिए आपको बता दें कि यह महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो फर्नीचर का करीब कई एकड़ में गोदाम है, जो अलग अलग फर्नीचर मार्केट है, सेकेंड हैंड कुर्सियां जो बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, गोदाम है जिसमें जो है अब तक करीब 30 मिनट पहले आग लगी थी और आग इतनी भयंकर है कि अभी तक भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। तकरीबन जो कहा जा सकता है कि लाखों रुपए की लागत से जो फर्नीचर था अब तक जलकर खाक हो चुका है और अभी भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, लगभग एक दर्जन से ज्यादा मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां हैं जो आग को बुझाने की लगातार जिद्दोजहद में लगी है। लेकिन क्योंकि क्योंकि प्लास्टिक के मेटेरियल और लकड़ी के सामान होने के चलते आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। मौके पर जो पुलिस बल है वो भी तैनात है, आग की बुझाने की लगातार जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन आग इतनी भयंकर है कि फायर ब्रिगेड लगातार बुझाने का प्रयास तो कर रही है लेकिन आग पर काबू जो अभी तक नहीं पाया गया। क्योंकि आगे से जैसे फायर ब्रिगेड की कार जो गाड़ियां हैं आगे से आग पर काबू पाने की कोशिश करती है तो आग कहीं ना कहीं लकड़ी में लगने के बाद पीछे तक चली जाती है और इस तरीके से जिद्दोजहद करीब 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। लगातार जो आग का मंजर है वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फायर ब्रिगेड दमकल की विभाग की गाड़ी लगभग एक दर्जन ज्यादा आ चुकी है और अभी भी जिस तरीके से आग बढ़ रही है तो हो सकता है और ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगानी पड़े। फिलहाल अभी आग पे काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी काबू नहीं पाया गया है। लेकिन राहत की बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी जनहानि की, हताहत होने की अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया है अंकित। और तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं। आग पूरी तरह से अभी नहीं बुझी है, ये अपडेट आप दे रहे हैं, लेकिन ये आग शुरू कैसे हुई, कैसे लगी आग, इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है अभी? जी देखिए बताया जा रहा है, यह जा रहा है जो यहाँ मौजूदा लोग थे उनका कहना था कि जो फर्नीचर में जो कुछ फर्नीचर खुले में रखा हुआ था जिसपे कुछ लोगों द्वारा जो है सुबह सुबह ठंड होने के कारण उसमें जो है हाथ सेकने के लिए अलाव जला रखा था तो उसी के चलते कुछ लोगों की लापरवाही रही जिसके कारण यह, क्योंकि लकड़ी का गोदाम था और देखते देखते वह जो आसपास नजदीकी लकड़ी रखी हुई थी उन लकड़ियों में वहां आग लगी। आग लगने के बाद उस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि जो मौजूद लोग थे वह आग पर काबू नहीं पा सके। उन्होंने दमकल विभाग को सूचना दी जिसका शुरुआती दौर में करीब दो दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर आई थी जिनने आग बुझाने की कोशिश की थी लेकिन जिस तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया उसके बाद एक के बाद एक दमकल विभाग की करीब एक दर्जन ज्यादा जो कहा जा सकता है अभी तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर पानों की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आग पे काबू नहीं। बिल्कुल, आग की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आप बता रहे हैं एक दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और पूरी तरह आग नहीं बुझ पाई है। अंकित आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बताया जा रहा है सुबह के वक्त ठंड से बचने के लिए गोडाउन के पास रखे फर्नीचर के आसपास किसी ने अलाव जलाकर हाथ तापने की कोशिश की और वहीं से मुमकिन है इस आग की शुरुआत हुई। हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी इस पर अभी नहीं है क्योंकि प्राथमिकता है इस आग को बुझा लिया जाए। फर्नीचर का गोडाउन पूरी तरह से आग की चपेट में है। एक दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसको बुझाने में जुटी हुई हैं। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी पूरी तरह यह आग बुझी नहीं है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबा आपकी।